22 जनवरी 2024 को अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक समारोह के लिए सिर्फ एक महीने से अधिक समय बचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि निर्माण का पहला चरण शुरू हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। आदित्यनाथ ने शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी बुलाई, जिन्होंने हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्तुतियां दी। बाद में आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से कहा, अयोध्या नए भारत के प्रतीक के रूप में उभर रहा है, जो भगवान श्री राम के पवित्र शहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा, शुरुआत में अयोध्या में 178 एकड़ में फैली एक मामूली हवाई पट्टी थी, लेकिन अब इसे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने 821 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देखरेख में हवाई अड्डा बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए निवासियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के प्रावधान का आश्वासन दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हवाई अड्डे के माध्यम से अयोध्या के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। पहले चरण में 65,000 वर्ग फुट का एक टर्मिनल निर्माणाधीन है, जिसमें प्रति घंटे 2-3 उड़ानें संभालने की क्षमता है। 2,200 मीटर के रनवे पर भी काम चल रहा है, जिससे छोटे विमानों के अलावा बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमानों की लैंडिंग की सुविधा मिलेगी। प्रारंभिक विकास में साइट पर 8 एप्रन की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी चल रही है। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई 3,700 मीटर तक बढ़ा दी जाएगी, जिससे बोइंग 787 और बोइंग 777 जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय विमान सीधे अयोध्या में उतर सकेंगे। दूसरे चरण में निकट भविष्य के लिए विमान एप्रन भी तैयार किया जाएगा, जो 5,00,000 वर्ग फुट का होगा, केंद्रीय मंत्री ने कहा। राम मंदिर स्थल से 8 किलोमीटर दूर स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के एक तरफ बन रहा है। पिछले साल अप्रैल में राज्य नागरिक उड्डयन विभाग ने हवाई अड्डे के लिए 318 एकड़ जमीन के हस्तांतरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्र और यूपी दोनों सरकारें अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने की उम्मीद कर रही है। राज्य अपने एजेंडे में सबसे ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ शहर के लिए एक विस्तृत विकास योजना पर काम कर रहा है। इस बीच आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित होने वाले 42वें रामायण मेले के पहले दिन के कार्यक्रमों के लिए एक पोस्टर का अनावरण किया। पहले पोस्टर का विमोचन शनिवार को सरयू गेस्ट हाउस में हुआ। दूसरा पोस्टर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जारी किया।